पूरे देश में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के नाम से संगठन बनाया है और इस पर काम भी किया जा रहा है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा रविवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि सभी लोग पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर यदि मेहनत करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर महीने की 21 तारीख को कार्यक्रम तय हो चुके हैं, अब हम सबको आंदोलन को तेज करना है। शिवगोपाल मिश्रा ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। देखिए, जहाँ तक निजीकरण का सवाल है, सीधे तौर पर तो निजीकरण भारतीय रेल में नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हाल में कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सवाल पर सीमेंस के साथ एक समझौता हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो, मैंने माननीय मंत्री जी से बात की है, पत्र भी लिखा है, वो पूरे तौर पर मुझे लगता है कि उचित नहीं है। तो सवाल है निजीकरण के मामले में, वो जो इंजन स्टेशन डेवलपमेंट का मामला है, स्टेशन डेवलपमेंट में हम लोग जो है वो स्टेशंस को बेचे जाने के खिलाफ हैं। बाकी अगर कोई राय आय का दूसरा साधन बन सकता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, और अगर स्टेशन बरकरार रहते हैं, गाड़ियां हमारी चलती रहती हैं, 150 गाड़ियां चलाने का प्रयास किया गया था, वो अपनी जगह रुक गई हैं। अभी माननीय अश्विनी वैष्णव जी बार बार कहते हैं कि नहीं, हम अपने साथियों को मोटिवेट करेंगे और काम जो है उन्हीं को देंगे। तो अगर वो ऐसा जो कहते हैं, वो मनसा वाचा कर्मणा है, वो करने का प्रयास करते हैं, तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन उनके साथ है। लेकिन अगर रेलवे को बेचे जाने का कोई सवाल आएगा या किसी प्रतिष्ठान को बेचे जाने का सवाल आएगा, तो हमने पहले भी पूरी ताकत से विरोध किया है, आने वाले समय में भी विरोध करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर के हमने देश में तमाम राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन हैं, हमारे शिक्षकों के, प्राथमिक शिक्षकों के संगठन हैं, माध्यमिक शिक्षकों के संगठन हैं, हमारे यूनिवर्सिटी टीचर्स के संगठन हैं, कॉरपोरेशंस के लोग हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ के लोग हैं, तो इनको तमाम लोगों को हम लोग इकट्ठा कर पाए हैं और तमाम राज्यों में उनके सम्मेलन हो रहे हैं। एक हम लोगों ने डिक्लेरेशन लिया है जिसके आधार पर 1 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो। 21 फरवरी को सारे देश भर में लोगों ने प्रदर्शन किए हैं अपने अपने यूनिट्स पे। अभी 21 मार्च को हम लोग ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं, 21 अप्रैल को हम लोग जिलों पर प्रदर्शन करने वाले हैं, 21 जून को हम लोग राज्यों में प्रदर्शन करने वाले हैं, और अगर मानसून सत्र चालू हुआ तो 21 जुलाई को हम लोग संसद भी घेरेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो, और नहीं बहाल करेंगे तो सितंबर के माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने का फैसला लेने का काम करेंगे। अच्छा, जनता के बीच में आपने कहा कि हम पुरानी पेंशन के मुद्दों को लेकर ही जाएंगे, सारे मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे ताकि लोगों को बताएं कि ये मुद्दे देश के चल रहे, तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए, बात यह है कि जो खाली पेंशन का मुद्दा अगर हम जनता के बीच में लेके जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें हम लोगों को बहुत सफलता मिलने वाली है, लोग सुनेंगे भूल जाएंगे। लेकिन आज मुद्दा सिर्फ पेंशन का ही नहीं है, आज मुद्दा महंगाई का भी है, आज मुद्दा बेरोजगारी का भी है, आज मुद्दा हर वस्तु पर टैक्स का भी है। कोई भी वस्तु इस सरकार ने नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं हो, पेंसिल से लेकर के कागज़ से लेकर के, कापी से लेकर के, स्याही से लेकर के, पेन से लेकर के, नमक से लेकर के, सब्जी से लेकर के, आटा, दूध, दही, कोई भी चीज़ आज किसी भी कोई भी चीज़ है वो बिना जीएसटी के नहीं है, बिना टैक्स के नहीं है। जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, उसका दाम जरूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं एग्जॉर्बिटेंट रेट से कि जिसका कि कोई वो नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि हर प्राणी जो है, हर मानव जो है वो पीड़ित है, हर घर पीड़ित है, तो हमें उनको सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि ये जो है वो खाली जो बातें की जाती हैं या जुमले छोड़े जा रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार आपको ले कहाँ जा रही है, आपकी तनख्वाह मिलती है, आपको डीए की किस्त मिलती है और कहाँ चली जाती है आपको पता ही नहीं चलता। तो सवाल ये है कि जो देश को महंगाई नहीं रोक सके, जो देश में दूसरी चीज़ें नहीं रोक सके, हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या आने वाले समय में
यही लोग सत्ता में रहेंगे तो देश के लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमारा कोई बीजेपी से झगड़ा नहीं है, हमारा कोई नरेंद्र मोदी जी से झगड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री हैं वो और 100 साल बने रहें, लेकिन देश में जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जो हमारे महंगाई की आसमान छू रही है उसको ज़मीन पे आना चाहिए, उसको करना चाहिए। हमारे जो साथी हैं 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनकी पेंशन पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। हमारा जो 18 महीने का डीए इन्होंने मार करके रखा हुआ है, और जो हमारे रिटायर्ड लोगों का जो है वो एरियर ख़त्म करके रखा हुआ है, उसको जो है वो इन्हें बहाल करना चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं। अगर हमारे मुद्दे हल कर दें तो हमको कोई प्रधानमंत्री और रेल मंत्री तो बनना नहीं है। हम तो जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं सिर्फ उन्हीं पर जो है वो केंद्रित कर रहे हैं, और वो पूरे गैर राजनीतिक तरीके से कर रहे हैं।